ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी के अपने इस YouTube चैनल जीवन जीने की कला में। आज के इस वीडियो में जानेंगे परिवर्तनी एकादशी 2019 के व्रत के संबंध में। भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा होती है, आराधना होती है। जानते हैं व्रत करने की विधि, पूजा करने की विधि और महत्व के बारे में, और कब है इस महीने तिथि और क्या क्या लाभ होंगे। लाभ तो आप सभी जानते हैं कि विष्णु की आराधना से आपके जीवन में समृद्धि आती है, शांति आती है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे पार्श्व एकादशी, वामन एकादशी, जल झूलनी एकादशी, पद्मा एकादशी, डोल ग्यारस और जयंती एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। परिवर्तनी एकादशी इस वर्ष 9 सितंबर दिन सोमवार को पड़ रही है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है और करना चाहिए। इस दिन स्नान और दान का भी बहुत महत्व है। अगर आप करते हैं तो जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आते हैं, यानी कि परिवर्तन आते हैं, आपको फायदे होते हैं, जो पॉजिटिव परिवर्तन है वो आते हैं। इसीलिए इसका नाम भी परिवर्तनी एकादशी है। आइए जानते हैं इसके महत्व के बारे में। परिवर्तनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा होती है। इससे तीनों ही लोकों की पूजा हो जाती है आसानी से। अपने किए गए पापों के लिए भी परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। जो लोग जीवन मरण के चक्र से मुक्त होना चाहते हैं, मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, उनको परिवर्तनी एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। भगवान विष्णु करवट बदलते हैं इस दिन। जी हाँ, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस समय चौमासा या चतुर्मास चल रहा है। इस दौरान जगत के पालनहार भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन वह योग निद्रा में चले जाते हैं। योग निद्रा के समय भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान हरि करवट बदलते हैं। इसीलिए इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है और आपके जीवन में परिवर्तन आता है इसको करने से, ये भी एक वजह है। 4 माह के पश्चात वे देवउठनी एकादशी पर योग निद्रा से बाहर आते हैं। तब विवाह, मुंडन, उपनयन, संस्कार इत्यादि प्रारंभ होते हैं। व्रत एवं पूजे की विधि जान लीजिए कि पूजा कैसे करेंगे। परिवर्तनी एकादशी के दिन दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। इसके बाद पूजा घर में चौकी पर भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की प्रतिमा या विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित कर दीजिए। फिर हल्दी, तुलसी, चंदन, अक्षत, धूप, गंध, इन सभी चीज़ों से उनकी आराधना कीजिए, पूजा कीजिए। उनको फल और मिष्ठान चढ़ाइए। इसके बाद कपूर या गाय के घी के दीपक से आरती कीजिए। फलाहार करते हुए व्रत रखिए। इस दिन वामन अवतार की कथा सुनिए, दान कीजिए। जी हाँ, परिवर्तनी एकादशी के दिन तांबा, चांदी, चावल, दही का दान करना सर्वथा उचित होता है। अपनी सामर्थ्य के अकॉर्डिंग इनमें से किसी भी चीज़ का दान कर सकते हैं। सभी चीज़ों का भी कर सकते हैं अगर सामर्थ्यवान है तो, और नहीं तो जितनी श्रद्धा है, सामर्थ्य है, उसके अकॉर्डिंग करिए, आपको फायदा होगा। रात्रि को जागरण करते हैं तो और अच्छी बात है, आपको और ज़्यादा फायदा होता है। तो ये इस साल के परिवर्तनी एकादशी के संबंध में आपके लिए जानकारी रही। ऐसे ही नई जानकारी के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें और इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दें ताकि अन्य लोगों को भी पता चल सके। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। विदा लेते हैं इस एपिसोड से, जुड़ेंगे नए एपिसोड में। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें। प्रेम से बोलें, हर हर महादेव।